अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास चार्ट हमने आज बनाना। तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ अगर हम इसे विजुअली देखें तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट है, जिसमें हमारे पास इन विच प्रॉफिट कैन बी शोन अबव द नॉर्मल बेस लाइन। हमारे पास यहाँ ये हमारे पास जो लाइन हम बनाते हैं, ये हमारे पास इसमें होती है नॉर्मल बेस लाइन। तो ये जो हमारे पास प्रॉफिट होगा इसके अबव होगा, एंड हमारे पास जो लॉस होगी इसके बिलो होगी, बिलो द बेस लाइन। अब हमारे पास सिंस बार आर टू बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द जीरो लाइन टू शो लॉसेस, यानी कि हमारे पास जो बार है, ये हमारे पास एक बार ही है ना, ये एक्सटेंड की जाती है जीरो से क्या करने के लिए, शो लॉस को शो करने के लिए। सो इसीलिए हम हमारे पास जो बार्स में हम हमारे पास ये डाटा जो है वो हम पुटिंग करेंगे, तो वो हम वो अबव से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द टॉप। ठीक है, अब टॉप से हम स्टार्ट करते हैं, और ये जो हमारे पास लॉस होती है ये हमारे पास बेस लाइन से नीचे की तरफ होती है, इसलिए हम जब एक्सटेंड करेंगे बेस लाइन से नीचे की तरफ, इसलिए हम ऊपर से हमें इसे क्या करना होगा, हमें इसे स्टार्ट करना होगा टॉप से। तो अगर हम इसकी एक एग्जांपल देख लें, तो हम हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर चेयर, यानी कि हम जो हमारे पास डाटा है यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट बनाने लगे हैं चेयर मैन्युफैक्चर को अगर बंदा कर रहा है तो, उस लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा दिया गया है, तो ये देखें हमारे पास जो जो डाटा है, हमारे पास क्या है कि हमें बता रहा है कि जी एक चेयर बनाने वाला बंदा क्या कर रहा है, जो उसके ऊपर मटेरियल है उसका वो 10 रुपये का लग रहा है 1960 में। अब हमारे पास मटेरियल अब जो 1970 है उसके अंदर वो जो मटेरियल एक चेयर बनाने का लग रहा है वो 60 रुपीज़ लग रहा है, 16 रुपीज़ लग रहा है। वेजेस यहाँ पर 6 थे 1960 में, यहाँ पर 8 है। पॉलिशिंग और दूसरी कोई चीज़ है तो उसके 2 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं, तो यहाँ पर 4 रुपये लग रहे हैं। एक चेयर बनाने की बात हो रही है। अब टोटल कॉस्ट यानी कि जो चेयर बनाने के ऊपर, एक चेयर बनाने के ऊपर जो टोटल कॉस्ट आती थी 1960 में, वो हमारे पास 18। अब हमारे पास 1970 में वो मेरे पास वो हमारे पास कितनी हो गई है, 218 हो 28 हो गई है। अब वो हमारे पास आगे वो जो बंदा सेल करेगा, मिसाल के तौर पर पहले वो सेल करता था तो उसे 18 की वो बनाता था, 20 की वो सेल कर देता था, तो उसे प्रॉफिट कितना आता था, उसे प्रॉफिट आता था 2 रुपीज़। अब हमारे पास वो 18 की बना रहा है तो वो हमारे पास सेल कितने की कर रहा है, वो 25 की कर रहा है, तो उसे लॉस कितना आ रहा है, उसे -3 आ रहा है। तो इसे अब हम जब प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट इसका बनाएंगे तो हम इसे कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने पहले कहा था ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, यानी कि हमने सीधे सीधे ऐसे वैल्यू नहीं लिखनी, हमने इनकी परसेंटेज निकालनी है। जैसे कि देखें, तो आपने परसेंटेज कैसे निकालनी थी, देखें हमारे पास यहाँ पर मैन्युफैक्चर मटेरियल के लिए उसे 10 लग रहे हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय जितने की उसकी चेयर सेल हुई है, ना कि जितने की चेयर उसकी बनी है, सेल कितने की हुई है, 20 की हुई है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। नेक्स्ट आप ऐसे ही 6 के लिए निकालेंगे यानी कि वेजेस के लिए, तो वेजेस डिवाइडेड बाय 20 जितने की सेल हुई है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर ये इतने परसेंट है 50%, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 2 के लिहाज से करेंगे तो आपके पास हमारे पास आंसर कितना आएगा, 10% आएगा। यानी कि देखें अगर मैं आप इसे ड्रा करना था, हमने कहा था टॉप से ड्रा करें, तो 100 के ऊपर यानी कि देखें पहले हमारे पास जो स्केच यानी कि हमने ये वैल्यूज़ लिए एक बेस लाइन, और यहाँ पर हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर आप 0 से लेकर 100 तक लिख लें, क्योंकि हमारी परसेंटेज 100 तक ही है। ठीक है, 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखें 1960 के लिए पहले आप बनाएं बार, तो वो आप कैसे बनाएंगे, उसमें आपने ये देखना है कि देखें 100 के इक्वल आप इसे रखें, यहाँ पर 100 से स्टार्ट करें, 100 से नीचे हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास ये देखें हमारा आंसर था, जो हमारे पास मटीरियल्स के ऊपर उसके कितने परसेंट लग रहे थे पैसे, 50%, तो आप 50% तक नीचे देखें, 100 से नीचे 50% कहाँ पर होगा, कहीं पर यहाँ पर है। ठीक है, मैं आपको आसानी के लिए आपके लिए बताता हूँ, पहले यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर नीचे करके यानी कि यहाँ पर करके कहीं पर है, तो उसके सामने आप पहले क्या करें, लाइन लगा दें, फिर उसके बाद में देखें हमारा 30% है, तो इससे नीचे है 50 से नीचे 30% कितना होगा, 20, 20 के ऊपर लाइन लगा दें। अब ये देखें हमारे पास अब जो नीचे नेक्स्ट है हमारे पास 10%, तो 10% का यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर लगा दें, हमारी 3 लाइन लगी, 1 2 3, तो यहाँ पर आप की बनाएंगे, की का मतलब ये है कि आप यहाँ पर साइड पर लिख देंगे कॉर्नर के ऊपर कि हमारे पास जो
यानी कि हमने शेड करना है या कलर करना होता है ना डिफरेंट करने के लिए, कि हमारे पास जो हमारे पास यहाँ कंपोनेंट बन रहे होते हैं एक बार के, उन्हें डिफरेंट करने के लिए बताने के लिए। तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर तीन अलग अलग लिख दी हैं, तो याद रखें आपने ये कैपिटल में बताना होता है जब आप साइड पर लिखेंगे। अब देखें यहाँ हमारे पास यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे पास जो मटेरियल्स हैं उनके लिए हमने डॉट लगाए हैं, हमारे पास जो वेजेस है उसके लिए हमने डायगनल लाइन्स लगाई हैं, और हमारे पास जो पॉलिशिंग है उसके लिए हमने वर्टिकल लाइन लगाई है। अब यहाँ तक तो हो गया, अब ये जो एरिया बचा है इतना 10%, ये उसका क्या है, ये उसका क्या है, प्रॉफिट है। तो हमने पहले ही कहा था अगर आप यहाँ देखें कि प्रॉफिट हमारी बेस लाइन से ऊपर होगा। अब अगर मैं इसी के लिए 1970 के लिए निकालता, तो मैंने सेम प्रोसीजर वही करना था, मैंने पहले 16 को मैं डिवाइड करता जितने की चेयर सेल हुई थी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरे पास आंसर आना था 65%। ठीक है, तो 65% मेरा पहला आंसर आ रहा था, नेक्स्ट आंसर मेरा आ रहा था 32%, और नेक्स्ट आंसर मेरा आंसर 60%। तो 65% पर पहली लाइन मेरी ये लगी, 32 मजीद मैंने किया तो ये लाइन लगी। अब देखें यहाँ पर मेरे पास कितना बच रहा है, यहाँ पर मेरे पास 4% सिर्फ बच गया, 4% मेरे पास यहाँ पर बचा हुआ है, और मैंने जो मेरा लास्ट वाला 4 के लिहाज से आंसर आएगा वो मेरा है 16% आंसर। तो जो 10% है यहाँ पर वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास इसे लॉस हो रहा है, तो वो 10% ये देखें बेस लाइन से नीचे को लेकर जा रहा है। अच्छा हमारे पास जो देखें हमारे पास यहाँ पर जो प्रॉफिट है मैंने उसे प्लस के ज़रिए लिखा है, और जो हमारे पास यहाँ पर अगर आप गौर करें तो सिर्फ और सिर्फ प्लस है, इसके अलावा यहाँ पर कोई सिंबल और नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास वर्टिकल लाइंस भी है, उसके अलावा मैंने माइनसेस भी लगाए हुए हैं। तो ऐसा मैंने क्यों किया है, पहले तो मैंने जितनी उसने यानी कि हमारे पास परसेंटेज थी उसके लिए वो पूरे के पूरे हमारे पास जो उसका कंपोनेंट बन रहा था उसके लिए मैंने वर्टिकल लाइंस लगाई। लाइंस लगाने के बाद जो बेस लाइन के नीचे वैल्यू हमारे पास नीचे जितनी परसेंटेज है उसके लिए, कि मुझे ये बताने के लिए कि ये लॉस है, मैंने वहाँ पर माइनसेस लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो ये जो चीज़ हमने ये सारा ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट होता है। तो ये देखें हमने इसके टाइटल भी लिखा हुआ है। अब हमारे पास यही जो हमने चार्ट बनाया पाई चार्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं इसी पर्पस के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।